नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। तहसील आपके द्वार में जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव में बम नुमा वस्तु मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ये संदिग्ध वस्तु रहवासी मकान के पास मिली थी। सवाईमाधोपुर के खंडार इलाके के साकड़ा गांव में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में धर्म सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बरनावदा निवासी चरनू गुर्जर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा दो बदमाशों को बंधक बनाने की भी जानकारी है। बदमाश सपोटरा इलाके के मरमदा गांव के बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में भैंस चोरी को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। वहीं सूचना के बाद एएसपी धर्मेंद्र यादव और खंडार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जयपुर के दोनों नगर निगमों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी हुआ। निगम प्रशासक वीपी सिंह ने ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज निगम का ड्राफ्ट जारी किया। इस पर 20 दिसंबर तक आपत्तियां दी जा सकेंगी। दौसा सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। साथ ही ट्रक चालक साजिद मेव को भी गिरफ्तार किया। इस गौ तस्करी के तार हरियाणा से जुड़े बताए जा रहे हैं। नागौर जिले में डीजे के धूम धड़ाके से पशुओं के गर्भपात मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और पूरे जिले में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास पाठक ने क्राइम की बैठक में जिले के समस्त थानाधिकारी और सीओ को आदेश जारी किए। एसपी ने आदेश दिए हैं कि जिले भर में वाहनों पर डीजे साउंड बजाने पर कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों पर डीजे साउंड सिस्टम लगा हो या ध्वनि प्रदूषण करते हो, उन्हें जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहर की सेहत के उत्सव वॉक ओ रन को हरी झंडी दिखाई और इस रन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की मैराथन भी रखी गई। इस मौके पर विधायक मदन दिलावर, पूर्व महापौर महेश विजय, पूर्व विधायक हीरालाल नागर, जिला कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि दौड़ और व्यायाम से बेहतर कोई और फिट रहने का दूसरा साधन नहीं है। बहादुरी के लिए विख्यात झुंझुनू के बेटे खेलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। राजरीफ में कार्यरत सुनारी गांव के सुनील जाखड़ ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 13वें साउंड एशियन गेम्स में तलवारबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुनील ने गांव के साथ ही प्रदेश का भी मान बढ़ाया है और सुनील फिलहाल पुणे में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। एक बार जयपुर में जूनियर तलवारबाजी का मैच देखने के बाद सुनील ने तलवारबाजी शुरू की थी। उदयपुर ईडर नेशनल हाईवे 58E पर निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है और झाडोल थाना क्षेत्र के उड़ावेला में ठेकेदार कंपनी ने पहाड़ी काटने के लिए ब्लास्ट किया था, जिसका मलबा मुख्य मार्ग पर गिरने से मार्ग बाधित हो गया और जिस वजह से 2 घंटे से अधिक समय से हाईवे पर जाम लगा हुआ है। अलवर जिले के बांसूर इलाके के मीरापुर गांव में सैनिक सम्मान के साथ किशनलाल गुर्जर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जवानों ने हवाई फायर कर सलामी दी और विधायक शकुंतला रावत ने सैनिक की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। अंत्येष्टि के दौरान एसडीएम राकेश मीणा, बहरोड सीओ अतुल हरसोरा समेत कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि किशनलाल गुर्जर 19 राजपूत रेजिडेंट में नायक पद पर तैनात थे और गुर्जर का 7 दिसंबर को हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। डूंगरपुर के धम्बोला थाना इलाके के करावड़ा गांव में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर जिले के झाडोल क्षेत्र में शिवसेना ने वाहन रैली निकाली और झाडोल की गुजरात सीमा से लगे गरणवास से निकली वाहन रैली झाडोल कस्बे में आकर समाप्त हुई। इस दौरान सभी कार्यकर्ता भगवा ध्वज के साथ नजर आए। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी की माताजी की 7वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर भादरा कृषि उपज मंडी समिति परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और शिविर में 150 से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहां 150 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल श्रम और बाल तस्करी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों के अलावा श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, CWC, किशोर न्याय बोर्ड, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया और ये पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। देश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों के विरोध में भीलवाड़ा के निजी कोचिंग सेंटर की छात्र छात्राओं ने शहर में आक्रोश रैली निकाली और रैली में छात्र छात्राओं ने दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। ये रैली विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। झुंझुनू के सुल्ताना इलाके में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां 8 से 13 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत BLO मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधित करने में जुटे हुए हैं। सर्दी शुरू होते ही झालावाड़ जिले के विभिन्न जलाशयों में करीब 140 तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं और जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा तक होती है, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जलाशयों में नाममात्र के ही पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जिससे पक्षी प्रेमियों में निराशा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, जिसके चलते मैदानी इलाकों और घरों के बाहर खड़ी कारों पर बर्फ जमा हो गई है। तो वहीं माउंट आबू घूमने आए पर्यटक अपनी कारों और बाहर मैदानी इलाकों में बर्फ को देखकर रोमांचित हो उठे। पर्यटक सुबह ही सर्दी के मौसम का मजा लेने के लिए नक्की लेक की सैर पर निकल पड़े और वहीं कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय का सहारा लेते नजर आए। दूसरी ओर बढ़ती सर्दी को लेकर स्थानीय लोगों की दिनचर्या में भी काफी बदलाव आया है। दौसा के सिकंदरा कस्बे में मंत्री ममता भूपेश का स्वागत किया गया। यहां 15 किलो की फूलमाला पहनाकर मंत्री का स्वागत हुआ। दरअसल सिकंदरा में महिला कॉलेज और पंचायत समिति बनने से ग्रामीण काफी खुश है। सवाई माधोपुर के बौली में लॉयंस क्लब की ओर से नेकी की दीवार का शुभारंभ किया गया और क्लब अध्यक्ष और बौली सरपंच ने इसका शुभारंभ किया और जरूरतमंद लोगों को 61 कंबल बांटे गए। पर्वतसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिल बांटी गई और कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शिरकत की और इस मौके पर 1206 बालिकाओं को साइकिल बांटी गई। गिडवाना नगर पालिका इलाके में आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवारा पशुओं के कारण हादसे भी बढ़ रहे हैं। गिडवाना नगर पालिका ने रिको के नजदीक गोचर भूमि को अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बना दिया है और यहां से कचरा उड़कर सीकर रोड पर 3 से 4 किलोमीटर तक फैल चुका है। हालांकि अब SDM ने इस इलाके का दौरा किया और कचरा एकत्रित करने के निर्देश दिए। नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि प्रशासन अब घूंघट प्रथा को हटाने के लिए अभियान चलाएगा और इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर स्थित ग्राम पंचायत पीपली बी के बाबफला में शमशान जाने का मार्ग नहीं है और जिसकी वजह से लोगों को दुर्गम पहाड़ियों से उतरकर आना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियां भी होती हैं। प्रतापगढ़ में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों से समझाइश की तो कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई। प्रदेश की गहलोत सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि 1 साल में सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उदयपुर की सायरा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के मामले में 2012 से फरार आरोपी हजारीनाथ को राणकपुर के घाटी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साधु के वेश में घूम रहा था। उदयपुर के गोगुंदा में जिला कलेक्टर आनंदी ने VC की। उन्होंने अति कुपोषित बच्चों के लिए लगने वाले शिविर को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कुपोषित बच्चों को शिविर में लाने की कोशिश करें। मेड़ता सिटी के पास छात्रावास गांव में भक्तों की कतारें लग रही हैं। बड़ी संख्या में भक्त शनि धाम और सिद्ध बाबा भूतनाथ जी की समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहां दूर दूर से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। रीट 2018 प्रथम लेवल में रिक्त अनारक्षित 1167
सीटों को भरने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी है। अभ्यर्थियों ने काकड़ी डूंगर की पहाड़ी पर पड़ाव डाल रखा है, तो वहीं सैकड़ों पुलिसकर्मी उन्हें खदेड़ने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही। नागौर के धारणावास उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहां तक कि केंद्र का भवन भी ढहने की कगार पर है और यहां नर्सिंग स्टाफ तक नहीं है, जिसके कारण इस केंद्र पर ताला लटका रहता है और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। डीडवाना के दोजराज गणेश मंदिर में गीता जयंती मनाई गई। इस मौके पर श्रीमद् भागवत गीता का सामूहिक पाठ और सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने ग्राम पंचायत भवन लालगढ़ जाटान में आम सभा की और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही 9 दिसंबर को SBI बैंक का घेराव की रणनीति तैयार की गई है। जोधपुर के भोपालगढ़ में गैर आवासीय 5 दिवसीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। श्रीमती चुन्नी देवी गणेश राम जाखड़ राजकीय स्कूल में प्रशिक्षण के तीसरे चरण में शिक्षकों ने विभिन्न विधाएं सीखी। चूरू के भालेरी गांव के पास कार पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक शख्स इसमें जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तिवरी ग्राम पंचायत में दिया तले अंधेरा नजर आ रहा है और ग्राम पंचायत कार्यालय के आगे बना नाला लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और हादसों को लगातार दावत दे रहा है। जोधपुर के भोपालगढ़ में अब खेलों को बढ़ावा मिलेगा। परसराम मदेरना SPM राजकीय कॉलेज के खेल मैदान की सफाई शुरू कर दी गई है, जहां विद्यार्थियों को सभी खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बांसवाड़ा में पंच कल्याणक महोत्सव के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर विनीत चौहान, शंभु शिखर, अनामिका अंबर और डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे दिग्गज कवियों ने कविता पाठ किया, वहीं दर्शकों ने भी जमकर आनंद लिया। डूंगरपुर जिले की रतन चौकी पुलिस ने गेट के जंगलों में बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। कार में भरी शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन कार्रवाई के दौरान तस्कर कार छोड़कर फरार हो गया। नागौर के ताउसर गांव में गोचर भूमि को लेकर हुए बवाल की जांच CIG CB की टीम कर रही है। इस मामले में CIG CB की टीम ने ADM, SDM और तहसीलदार सहित राजस्व टीम के बयान लिए। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव हरिपुरा और कचोलिया में मृदा स्वास्थ्य जागरूकता पर कृषक संगोष्ठियों और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य खेतों की मृदा के स्वास्थ्य में आ रही गिरावट के कारणों और मृदा को स्वस्थ रखने के विभिन्न उपायों से जन जन को जागरूक करना रहा। करौली में हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति को लेकर लिखित परीक्षा हुई। राजकीय PG कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई और SP अनिल कुमार बेनीवाल खुद ही परीक्षा के दौरान मौजूद रहे। जालौर जिले के आहौर में अवैध बजरी खनन और परिवहन का कारोबार बदस्तूर जारी है। बेखौफ बजरी माफिया दिन दहाड़े बजरी का खनन और परिवहन कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग ने आंखें बंद की हुई है। झालावाड़ सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संवेदनशील ग्राम पंचायत कलमंडी, खानपुरिया और सालरिया में फ्लैग मार्च किया और ग्रामवासियों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की।